to my new video. How are you doing? This is Shivangi. So, कहाँ जा रहे हैं फिर हम? हम जा रहे हैं बोटैनिकल गार्डन के पास. अच्छा. आज भी देख लो, बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, अच्छा लग रहा है आज सब कुछ. गरम गरम सा, गरम गरम और क्या? सनी है. आप प्रोनंसिएशन की क्या बात कर रहे थे? यहाँ पे कुछ वर्ड्स डिफरेंटली यूज होते हैं ना, डिफरेंटली बोलते हैं, एक्सेंट है. जैसे यार इंडिया में हम लोग एग्स बोलते हैं तो यहाँ पे इग्स बोलते हैं, इग्स. तो जो ई की प्रोनाउंसिएशन है ना वो ई ही है, मतलब ए नहीं है. जैसे हम एग्स बोलते हैं तो यहाँ पे इग्स बोलते हैं. जैसे इंडिया में हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं तो यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं लोग. एंड और भी वर्ड्स हैं, जैसे यूएसए को, जैसे यूएस होता ना, तो यूएस यूएस. अच्छा हाँ, एस को भी, जैसे हम लोग एस बोलते हैं तो एस को ये लोग एस बोलते हैं, एस. यहाँ पे जैसे टेस्ला गाड़ी, जैसे टेस्ला है, टेस्ला गाड़ी को यहाँ पे टेस्ला बोलते हैं, टेस्ला. मतलब थोड़ा प्रोनंसिएशन डिफरेंट है यहाँ पे ई और एस लेटर्स का. ऐसी जैसे एप्सम करके एक जगह है तो हम उसको ई पी एस ओ एम करके यहाँ पे जगह है, तो मैं स्टार्टिंग में उसको एप्सम बोलती थी, पर जब मैंने बाकी लोगों को सुना बोलते हुए तो इप्सम बोलते हैं वो, इप्सम, जो यहाँ के यहाँ के लोग हैं. और हाँ, जैसे एफएम को एफएम, एफएम होता है, जैसे एफएम बोलते हैं हम तो उसको एफएम बोलते हैं यहाँ पे लोग, एफएम. थोड़ा सा अलग है प्रोनंसिएशन. एंड कल हमने श्रीकांत मूवी देखी थी नेटफ्लिक्स पे, बहुत अच्छी मूवी है गाइस, आप लोग जरूर देखना, इट्स अ मस्ट वॉच. और राजकुमार राव ने इतनी सही एक्टिंग करी है ना, तो श्रीकांत मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है तो जरूर देखना, बहुत अच्छी लगी मुझे तो. आपको भी अच्छी लगी ना? अच्छी, मतलब उसमें, चलो मैं बताऊंगी नहीं अभी क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखी है तो वो खुद ही जाके देखें, और फिर उसके बाद जब देख लोगे आप लोग तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको मूवी कैसी लगी और उसमें से बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा. Like all the movies which are based on real story. Yeah, and it is based on a real story, right? तो श्रीकांत वाकई में एक ब्लाइंड इंडियन है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, जीनियस है वो, और उसी की पूरी लाइफ पे ये स्टोरी बेस्ड है. तो इट इज अ मस्ट वॉच, आपको जरूर देखनी चाहिए. तो अब हम आ गए हैं ऑकलैंड बोटैनिक गार्डन्स, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा सामने. चलो थोड़ा यहाँ पे धूप की साइड पे चलते हैं. विजिटर सेंटर ये देख लो, यहाँ से एंट्री है, अभी हम अंदर घुसेंगे. Oh, this cute doggy. Is it a pup? Beagle? Is that beagle? Haan, looks like a beagle. And is that a tourist bus? Oh, yes. Yes. So this is a tourist bus, guys. And now let's go inside. So let's enter. So if you are visiting for the first time, you can come here and read about this botanic gardens, what's on at the gardens and the rules that you need to follow, then workshops, songs. So all the information is given on these boards here. Okay, like that. So let's go.
we have an information desk as well here. So if you have any question, you can ask. Yeah, and look at this, these sculptures. They are looking so beautiful. Wow. And I think that's a waiting room. Yes. So what is this? It's a headpiece. Maori is the official language of New Zealand, and all of these sculptures or the headpieces that they have made have Maori names. So if you can see, this is not English, this is written in Maori. Ocean god. Which one? This one. Oh, look at this. Wow. God of the sea. This is the god of the sea. Throughout all Polynesia is known as the god of the sea. And what is this? Which god is this? So these are all gods. Okay, this one is a millennial, which millennials are known as a modern generation of today and are far more intelligent with latest technology and intelligence. So they have made a sculpture of millennials. So all of this is written in Maori. And there is a TV as well where a video is being played. And in front of us is a cafe. And a long queue here. It's very busy. See? Look at this cafe, man. It's so busy. It's Miko Cafe. Fully licensed. And we have a library as well. We'll have a look afterwards. Let's go in the gardens now. देखो अब हम आ गए हैं गार्डन्स में और बहुत तेज धूप लग रही है भाई. अच्छा हो मैंने कैप पहनी है. और ये देखो बच्चे खेल रहे हैं. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन अबाउट ऑकलैंड बोटैनिक गार्डन्स. ये देखो, सो इट वाज ओपन्ड इन 1982 and has grown into a stunning showcase of plantings with a distinct South Pacific flavor. And it is it covers 64 hectares. And then there's a website as well. You can visit that here. This one. And this is the whole map of the gardens. So you can see, where are we currently? Where's the entrance? I think here. So we are here at the main entrance. I see. And that's positive. Yeah, so we are at the main entrance, and this is the whole garden, and then we are supposed to exit from here. So let's go.
further ahead and see. So this is the outside seating of the same cafe that I showed you. See, people are having their breakfast and kind of brunch now, and also lunch. So they are enjoying. And look at this kid playing here. This is a boat. See, people are just having fun and kids are playing. Then we can see some pets as well. See that dog enjoying the sun. Yeah. So let's go. Hello. Hi. Hello. Yes, yes. And you're happy? Yeah. So, do you speak any package to Kroger? Okay. Might need like a bigger one. A bigger one? We have to share with someone else. Oh, do you? So, you can go into the web, into www.gov.council.nz and put in food scraps. Yeah. And there's in there's information about how many people in your household, because we do have some big households. Yeah, okay. And they can get and they can get two. Oh, yeah. Nice. Yeah. Got a tiny amount of space in your freezer and you and this is full, you can put a few things in the freezer and then put them in the following week. Oh, okay. But if you've got a certain number of people in your household and you think you need another one, ask for it. Okay, sure. Sorry. And how often do you put it? Well, obviously every week because you need to. We do it like every day. You don't need the bags, you know, you don't have to have the bags. You can just use paper and you just clean it up. We do community engagement, myself and Lisa, for the Auckland Council food scraps team and also for Eco Matters. So we've been part of the biggest rollout in the Southern Hemisphere of any community engagement. We door knock 60,000 houses. Okay. And we're trying to get people to use their food scraps bin, recycle all their food, and that stops it from going to landfill, reduces carbon emissions. Okay. And also goes down to a aerobic digester factory at Rupiroa and becomes biogas, which goes And then we can use that again. Goes back into the national grid and high quality fertilizer. Awesome. Oh, so it's a win. Yep, yeah, absolutely. Win-win. Win-win for everyone. Yeah, win-win for the and it's actually really nice. I really love using mine. No, that's a wonderful job. Okay, then. Amazing work you're doing. Thank you so much. Yeah. And what a gorgeous day. Yeah, lovely, stunning. Sunny. Absolutely stunning. Enjoy stunning. Your day. Yeah, you too. Thank you. Bye. Thank you. So, guys, ये जो अभी लेडी हमें मिली थी, ये ऑकलैंड काउंसिल से है. और ये बेसिकली हमें फूड स्क्रैप्स जो होते हैं ना, जो घर पे फूड वेस्ट होता है, जैसे अगर आप कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पील कर रहे हो तो उनका जो स्किन होता है और जो स्क्रैप्स होते हैं, तो उनको कैसे, जो बायोडिग्रेडेबल होता है उनको हमें कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, उसके बारे में वो बता रही थी. और वो उनके साथ एक वो बिन भी था फूड स्क्रैप्स का, तो उसमें वो हमसे पूछ रही थी कि आपके घर में, हाउस होल्ड में कितने मेंबर्स हैं जो इन बिन्स को यूज करते हैं. और क्योंकि हम वो फीडबैक मांग रही थी हमसे, तो हमने बोला कि ये बहुत स्मॉल बिन है, अगर इसका साइज बड़ा कर सकते हैं ताकि ज्यादा वेस्ट फेंक सके, स्क्रैप्स फेंक सके. तो वही कह रही थी अगर वो भी हो सकता है, बट आप इस एक वेबसाइट पे विजिट करके, ऑकलैंड काउंसिल की वेबसाइट पे विजिट करके आप हाउस होल्ड के मेंबर्स आप लिस्ट डाउन कर सकते हो. और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि जैसे आपको बड़ा बिन चाहिए, तो आप उस पर डाल सकते हो अपनी रिक्वेस्ट. और आपको और अगर आपके पास ज्यादा वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, तो वो कह रही थी कि फ्रीजर में आप उसको रख सकते हो फॉर सम टाइम एंड देन थ्रो इट इन द नेक्स्ट राउंड इन द सेम बिन इफ यू डोंट हैव अ बिगर बिन एट योर हाउस होल्ड. यू वॉन्ट टू एड एनीथिंग? नो, आई थिंक दैट इज इट.
अच्छा हाँ पानी पीना है शिखर ने, तो चलो पानी। प्यास लग गई शिखर को, तो देखो ऐसे बस आपको सेंसर तो नहीं होता, मैनुअली है वो, बटन प्रेस करके वो ऊपर को आता है लाइक अ फाउंटेन, एंड हियर इज द रियल फाउंटेन। ये वो देखो चिड़िया नहा रही है, वो देखो, नहीं नहीं उड़ जाएंगी, उड़ जाएंगी, बहुत शाय होती है, मत जाओ उड़ाओ मत। हाँ वो देखो कोने में, आपने देखा तो होगा वैसे, हाँ दिख रही है नहाते हुए, ओ देखा उड़ रही है, उड़ रही है, मत जाओ। और ये पानी क्लीन है, ये वैसे देखने में लग रहा होगा ग्रीन ग्रीन, पर ये क्लीन है। वो देखो फिर से नहा रही है, खुश है आज वो ना, धूप में नहा रही, ओह कितने अच्छे ना। देखो सब अपने पेट्स को घुमाने लाए हैं। पानी में चल रहे, वो देखो उनका डॉगी पानी में चल रहा है, उसके पैर गरम, ओ उसको जूते पहनाने चाहिए थे है ना। चलो वहां पे कुछ था नहीं ज्यादा, वो बस वही चिड़िया नहा रही थी, एक छोटा सा पॉन्ड सा बना हुआ था। और यहाँ पे चलते हैं जहाँ पे ज्यादा जनता जा रही है, प्राइवेट फंक्शन भी होता है, यू कैन लुक इट फॉर अ प्राइवेट फंक्शन। ओके द ग्लेड, नो इट्स जस्ट अ नेम, इट्स अवेलेबल टू हायर फॉर वेडिंग्स और इवेंट्स फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली सो ऑन। चलो अब आगे देखते हैं। तालियां। सब खुश लग रहे हैं आज तो। देखो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे एक बर्ड है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, उसकी आवाज आ रही है। ओ हाँ ये है, पता नहीं ये दिख रही, हाँ ये देखो। Talking to itself. It's singing a song or what? I wonder where they live. Do they have a nest on the tree? It's on the ground. हेलो बर्डी, ये भी यहाँ की एक नेटिव बर्ड है ना, ऑरेंज बीक ब्लैक बॉडी। हेलो, कैसे कूदती है, कैसे, द वे शी इज हॉपिंग, ओह शी इज लुकिंग फॉर सम फूड, वर्म्स मे बी। देखो यहाँ पे पॉन्ड है, छोटी सी लेक या पॉन्ड जैसा बना हुआ है। ओह लुक एट द डक्स, ओह वाओ, ओह अमेजिंग पपी रनिंग विद हिज ओनर on the cycle. See, the ducks are back.
Can you see this fish? Black fish? It's a sea snake, I think. Yes. Yes, I can see it. Yes, it's coming here. Oh, yeah. Look at the texture. It's got a texture of a snake. Well, they say there is no snake in New Zealand, but I can see one. But I think it's not poisonous and it doesn't bite. It's just a normal... it's not harmful. Can we get this in normal India snake. Also? Mm. Hello. So cute. Yeah, so adorable. Oh, yum yum. What's that? Is that dog food? Dog food. Dog food? Yeah. What's like chocolate? No, little. Okay. Yeah, because they're so tiny. Oh. Oh, there's another one here. Oh, yeah, there's another. Yeah, I would. Is this fine or should I? Yeah. Little. Just little? Yeah. It's already eating. She likes KFC. Oh. She does. She likes KFC. Hey. Oh. Yeah. What I do with Angel, because I do this. Angel. Angel. Sit. High five. Oh, yeah, high five. Amazing. Yeah. Oh. More dogs. Oh, more dogs. Yes. No. This one's quiet. See you. Thank you. Yeah, they gotta be trimmed. So here dogs are also allowed with their owners provided they are under control and on a leash. Tourist? But they are wearing same uniform. देखो यहाँ पे आई थिंक कोई इवेंट हो रहा है अभी अभी लोग आए हैं एंड लुक एट दिस डॉग दिस प्लेइंग विद बॉल और अ फ्रिस्बी देखो सारा अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेके आए हैं ओह वहां पे और हैं ब्लू यूनिफॉर्म में ब्लू कॉस्ट्यूम देखो देखो कितना अच्छा व्यू एक प्लेन भी उड़ रहा है मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बट मैं कैप्चर करती हूँ सन का ग्लेयर थोड़ा बहुत तेज है हाँ सन का तो बहुत ही तेज है पर ये बिल्कुल एक पेंटिंग जैसा लग रहा है हाँ सही कह रहे हो सब कुछ एक साथ ऊपर प्लेन जा रहा है ऊपर सन है थोड़े से क्लाउड्स हैं पीछे वो थोड़े माउंटेन दिख रहे हैं जैसे बचपन में नीचे ग्रीनरी है हाँ तो लग रहा है सब शादी में आए हैं हाँ क्या चल रहा है नमस्ते नमस्ते चल रहा है पैर वाले छोड़ने पीछे हाँ पैर वाले छोड़ने
नमस्ते जी, नमस्ते अंकल, आओ आओ बैठो बैठो, पैर वैर छू रहे हैं। ये देखो, ये एक और परफॉर्मेंस है। पूछोगे? कुछ गाना परफॉर्म कर रहे हैं शायद से। देखो यहाँ पे और लोग आए हैं परफॉर्म करने। वो पहले थे रेड कॉस्ट्यूम में, अब ये ब्लू कॉस्ट्यूम में। म्यूजिक वगैरह कुछ परफॉर्मेंस होगी। तो वो चल गए हैं वहां से, बोटानिक गार्डन से। अब हम कुछ खाने जा रहे हैं। तो बहुत गर्मी है भाई आज, तो बहुत तेज धूप निकली हुई है, बहुत ज्यादा धूप है। तो ज्यादा आगे तक जाया भी नहीं जा रहा था हमसे। जब हम आए थे यहाँ पे फुल हाउस था, एक भी पार्किंग स्लॉट हमें मिल नहीं रहा था। वो तो बाय चांस एक कपल गाड़ी अपने निकालने जा रहा था, तो हम उसको फॉलो करने लगे और फिर हमने उन्हीं की गाड़ी के बाहर वेट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपको किसी पार्किंग के बॉक्स में लगाना है और आपको पता है कि वो गाड़ी वाला निकलने वाला है, वो बॉक्स खाली होने वाला है, तो आप वहां पे इंडिकेटर देके खड़े हो सकते हो। तो सपोज राइट वाली लेन से कोई निकल रहा है एंड यू नो कि वो डब्बा खाली होने वाला है, तो आप राइट का इंडिकेटर देके यू कैन वेट आउटसाइड दैट बॉक्स और फिर यू कैन पार्क योर कार। तो दिस इज द प्रोसेस दैट एवरीवन फॉलोज हियर। अब देखो ये आई थिंक वो टूरिस्ट बस है जिनमें वो कॉस्ट्यूम पहन के वो लोग आए थे ना परफॉर्मेंस के लिए, कोई इवेंट होगा उनका, तो ये उन्हीं की बसेस हैं। तो चलो लेट्स से बाय टू बोटानिक गार्डन्स। हम इधर किसी और दिन फिर से आएंगे और पूरा घूमेंगे, जब इतनी तेज धूप नहीं होगी ना, तो पूरा घूमेंगे और आपको और भी दिखाएंगे प्लांट्स वगैरह। चलो बाय। ये देखो इनका ये एंट्रेंस पे लगा हुआ है, अच्छा सा डोम टाइप, डोम शेप का गेट। देखो आपको सामने लेफ्ट में एक लेडी दिख रही है, एल्डरली लेडी जो व्हील चेयर पे या व्हील कार पे, आई एम नॉट श्योर इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, अगर आपको पता हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। पर देखो इनके लिए भी ये वॉकवे बना होता है, तो एल्डरली पीपल कैन यूज दिस वॉकवे टू ट्रैवल ऑन देयर व्हील चेयर। तो आ गए फिर, चलो खाना खाने। तो खाना आ गया, भल्ला पापड़ी चाट हाँ और मिनी थाली। ये देखो व्हाइट कलर की बोट, इनकी प्राइवेट बोट है ये। और देखो कितने सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं यहाँ पे। इस जगह को मनुकाओ हाइट्स बोलते हैं। तो देखो ये डक्स किसी के घर के बाहर चल रही हैं धीरे धीरे। आ रही है, उसको लग रहा है कुछ खाने के बाद देना नहीं चाहिए इनको कुछ भी। चलो जाओ वापस वापस जाओ वापस जाओ 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 जाओ। ये देखो कितनी सारी बर्ड्स खाने का वेट कर रही हैं। देखना गाड़ी के।
What's that? Oh, peacock. Bulao na. Kaise bulao isse? Peahen hai, peahen. Peahen. Bulao isse. Karo to. Aur dekho ye dusri. देख रही हूँ कौन आ गया मेरे जैसा। अरे ये कौन है? अरे यार कुत्ता वाला। कुत्ता वाला। ये देखो। देखो पीको पीहन। ये देखो यहाँ की ब्लू कलर के। So I hope you enjoyed watching this video. If you did, please like, share and subscribe to my channel. And I will see you in my next video, so don't forget to watch it. Till then, always be happy, take care of your health because life is precious and health is wealth. Bye guys!